नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत टिकानी रेलवे स्टेशन योगीबीर जख बाबा के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान योगीबीर निवासी जितेंद्र कुमार महतो के 22 वर्षीय पुत्र राजीव कुमार के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मृतक राजीव भागलपुर की ओर से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं युवक के मौत की खबर सुनते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचे, जबकि इस दौरान भागलपुर से गोटा जा रही ट्रेन का परिचालन भी जगदीशपुर एवं टिकानी रेल लाइन के बीच घंटों बाधित हो गया, जिससे यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं इसके कारण कई यात्री पैदल ही आगे के लिए रवाना हो गए। इधर घटना की सूचना मिलते ही जगदीशपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझा कर शव को ट्रेन की पटरी से हटवाया। वहीं परिजन ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से मृतक राजीव कुमार मानसिक रूप से मार चल रहा था, जिसका इलाज भी कराया जा रहा था। भागलपुर जगदीशपुर थाना क्षेत्र सनहौला मोड़ के समीप जगदीशपुर निवासी 60 वर्षीय केदार प्रसाद सिंह की मौत बिजली के तार से करंट लगने से मौके पर ही हो गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बुधवार की देर रात्रि तेज आंधी तूफान के दौरान केदार प्रसाद सिंह घर से बाहर निकले और इसी क्रम में बिजली के नंगे तार की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक अपने घर में अकेला ही कमाने वाला था और उसे एक पुत्री है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, जबकि वेल्डिंग मिस्त्री का काम करके केदार प्रसाद सिंह अपने घर वालों का भरण पोषण करता था, लेकिन इस हादसे ने उसके परिवार को बेसहारा कर दिया और घर में मातम का माहौल है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही जगदीशपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में गुरुवार को कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा की ओर से जर्दालु आम विपणन कर्मशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने की। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एपीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक सीबी सिंह, डीडीसी कुमार अनुराग, जिला कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार यादव, आत्मा के परियोजना उप निदेशक प्रभात कुमार सिंह, सहायक उप निदेशक उद्यान विकास कुमार, डीडीएम नवाट अभिनव कुमार और नोडल पदाधिकारी जैविक कॉरिडोर योजना पशुपति नाथ समेत कई अधिकारी ने जर्दालू आम के मार्केटिंग को लेकर विस्तारपूर्वक चर्चा की। वहीं कर्मशाला को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सिंह ने बताया कि बिहार सरकार के कृषि रोड मैप के अनुसार जर्दालू आम की बेहतर मार्केटिंग, पैकेजिंग, एक्सपोर्ट और उत्पादन को लेकर लगातार प्रयास जारी है। डीएम ने कहा कि इसी सिलसिले में वाराणसी से भारत सरकार एपीडा के सीनियर ऑफिसर सीबी सिंह कई एक्सपोर्टर्स और स्टेक होल्डर्स के साथ भागलपुर पहुंचे हैं, जहां विभाग के पदाधिकारियों और किसानों के साथ मिलकर जर्दालू आम की क्वालिटी के साथ विदेशों में भी बेहतर मार्केटिंग के लिए चर्चा की गई। साथ ही डीएम ने कहा कि बेहतर उत्पादन के साथ गल्फ कंट्री समेत अन्य कई देशों में निर्यात बढ़ने के लिए मार्केटिंग के अलावा अच्छी पैकेजिंग की ज़रूरत है और इसके लिए पैकेजिंग हाउस बनाने की तैयारी कर ली गई है। बता दें कि कई वर्ष पूर्व ही भागलपुर जर्दालू आम को GI टैग मिल चुका है, जबकि सरकार एवं विभाग के द्वारा इसकी बेहतर क्वालिटी एवं उत्पादन के साथ मार्केटिंग और विदेशों तक उपलब्धता के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है, जिससे भारत समेत विभिन्न देशों से आने वाले डिमांड को पूरा किया जा सके। कार्यक्रम में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी आलोक कुमार, कृषि विभाग के कई पदाधिकारी, एक्सपोर्टर्स और स्टेक होल्डर्स के अलावा काफ़ी संख्या में किसान भी मौजूद रहे। जर्दालू आम जो GI टैग प्रोडक्ट है, और आप लोग सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से काफ़ी वर्ष पूर्व में ही GI जो है भागलपुर जर्दालू आम को मिल चुका है, और जो कृषि रोड मैप है, जो राज्य सरकार का प्रयास है, उसके तहत लगातार हम लोग इसको इसकी बेहतर मार्केटिंग और एक्सपोर्ट कराने के लिए भी प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में एपीडा के काफ़ी सीनियर ऑफिसर जो 2-3 राज्यों को देखते हैं, उनसे हम लोगों की वार्तालाप चल रही थी, कई बार ऑनलाइन मीटिंग हुई है। आज वो कई एक्सपोर्टर्स को लेकर के और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पैक हाउस वगैरह का निर्माण करते हैं, उनके साथ वो यहाँ आए हुए हैं और किसानों से डिटेल वार्तालाप हुई है, और इस बार काफ़ी बड़ी मात्रा में बेहतर पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के साथ हम लोग जर्दालू आम को विभिन्न देशों में पहुंचा सके। भागलपुर के पिपैती प्रखंड अंतर्गत मनोकामना मंदिर में बाल संत त्यागी जी महाराज के नेतृत्व में शिव शक्ति मनोकामना पूर्ण महायज्ञ को लेकर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बाल संत त्यागी जी महाराज ने बताया कि 152वां शिव शक्ति मनोकामना महायज्ञ को लेकर मनोकामना मंदिर में ध्वजारोहण किया गया, जिसकी शुरुआत आगामी 8 जून को कलश शोभा यात्रा के साथ होगी। मौके पर पंडित बाबूचंद गोस्वामी, भूलन दुबे, लोहा
मनमोहन सिंह, अंगद शाह सहित कई लोग उपस्थित रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।